फाइनली वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी टू दिल्ली। अभी रफली 1:10 हुए और प्रॉब्ली वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम 6 से 7 घंटे में दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। हमारी फ्लाइट रफली 10:10 पे निकलनी है, तो चेक इन हमें दो घंटे पहले करना पड़ेगा। सो वी आर रेडी नाउ, वी आर मूविंग टू दिल्ली। लो जी, पेट पूजा हो गई है, अब फाइनली रन फॉर एयरपोर्ट, जल्दी से भागें, मज़ा आ गया। सुखदेव, थैंक्स टू सुखदेव, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं एयरपोर्ट पे। फाइनली वी रीच द इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 1:15 पे और दिल्ली एयरपोर्ट पे हम, अब टाइम हो गया है 7:30 का टाइम हो गया, हमारी फ़्लाइट है 10:10 की, तो वी आर ऑन टाइम, नो वरीज। इंतहा हो गई इंतज़ार की। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं पहुंच गया हूँ दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट में हम सारी लगेज की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दी हैं और चेक इन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद अब बोर्डिंग के लिए रेडी हो गए हैं। बोर्डिंग का प्रोसेस 9:15 पे बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी 5 से 10 अवेलेबल हैं जो बोर्डिंग के प्रोसेस के लिए अवेलेबल टाइम है, तो मैंने चाहा कि आपके साथ उस टाइम पे अपना जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करूं। सुबह अर्ली मॉर्निंग एक्साइटमेंट के साथ उठने के बाद 1:10 पे हमने चंडीगढ़ से जर्नी स्टार्ट की और 7:30 दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचने पर हम अब रफली 9:15 का टाइम होने वाला है और तब से हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है और चेक इन की फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी। ये श्रीलंका का टूर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आफ्टर कोविड ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल है और इसको प्रोफेशनली फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, तो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। ये मेरे पीछे आप देखोगे तो यहाँ से हमने चेक इन करना है जो 5-10 में प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। विंडो सीट एयर एशिया, और आज वैलेंटाइन डे का दिन, मेरी वैलेंटाइन कहाँ है मेरी वैलेंटाइन। हम बेवफा हरगिज ना थे मगर मजबूरियां, हम क्या करें। वैलेंटाइन की स्पोर्ट से हम श्रीलंका जा रहे हैं, ट्रैवल टू श्रीलंका, प्लीज स्टे विद मी। श्रीलंका की पूरी जर्नी आपको दिखाएंगे। भाई साहब, इन्होंने तो ना खिला खिला के मार दिया, तो ओवरडोज होगी। अब तो एक अच्छी सी पंजाबी चाय। Finally reached the airport of Sri Lanka, Colombo. Roughly 2 का time है, 2 रात के, और हमारी flight roughly 1:30 के आसपास पहुँचनी थी, आधा घंटा लेट है। अभी हम निकले हैं, अभी लगेज लेना है और मैं एक जगह पे खड़ा हूँ और धरती अपने आप चल रही है। Where is my Valentine? Man, where is my Valentine? श्रीलंकन एयरपोर्ट से निकलते ही सबसे पहला एजेंडा था करेंसी कन्वर्जन का, डॉलर्स को कन्वर्ट कराया है। डॉलर का प्राइस आज का हमें मिला है USD में 360.5, तो आई थिंक कि $500 कन्वर्जन इज ओके फॉर मी। तो अभी हमने $500 को कन्वर्ट करा लिया है श्रीलंकन रुपीज़ में। मेरे को लगता है 10 दिन की जर्नी के अंदर ये $500 हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं। तो वी आर नाउ थ्रू फॉर द श्रीलंकन विज़िट। $500 मेरे को लगता है एनफ है मेरी 10 दिन की जर्नी के लिए, लेट्स सी। हम होटल में चेक इन कर रहे हैं, तो ओशियन एज सूट्स एंड रिजॉर्ट्स इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी इन श्रीलंका।
कोलंबो। अभी दिस इज द एंट्री एरिया, जहाँ पे रिसेप्शन, दिस इज लिफ्ट एरिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अ वंडरफुल मॉर्निंग। सुबह के 7 बज गए हैं, बालकनी में बैठा हूँ, अभी वॉक पे जाने का टाइम है। मुझे लगा कि आपको एक बार अपना बालकनी से फिर व्यू दिखा दूँ। तो लवली 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 वेदर। तो ये ओशन एज की बालकनी है, ट्रेन जा रही है और पीछे का व्यू, तो ये बहुत ही अच्छा व्यू है। मैं अभी मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा हेक्टिक हो गया था रात को, तो हम क्लब से थोड़ा लेट आए। अभी मॉर्निंग वॉक, देन आज का शेड्यूल बाय कैब वी विल गो टू गैल। गैल में रेडिसन प्रॉपर्टी को एंजॉय करेंगे, देन हैव फन इन इवनिंग इन वन ऑफ द बेस्ट बीच। तो आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा आज। तो कल का दिन मेरा बड़ा चिल वाला रहा, बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं था। तो आज भी मेरे को लगता है थोड़ा सा, क्योंकि 10 दिन का ट्रिप है, तो थोड़ा सा चिल और इंजॉयबल ट्रिप रहने वाला है। इट्स अ लवली व्यू, वाओ। Some people, there is a meditation, they put this finger when they do the meditation, so turn around the stone, they get the power that day. Great. Stones, we don't believe, after tsunami we believe that we burst on every month, England, Australia, America, Canada, India, Malaysia, Singapore, everybody believes. Stones, they have a power, wow. Cancer, blood sugar, mental problem, pain, always. When you put a lucky stone, you have blood done. When you burst, you pull it up. Oh, nothing else. When you put a stone, your blood money, you always can go. Oh. Some people, when you walk, the sun pulls up. Information by the gentleman. इन्होंने हमें बहुत अच्छी information दी कि यहाँ gem stones मिलते हैं, gem stones की quality fabulous है, जिसको again and again हम change कर सकते हैं। आप 2 साल के बाद भी उस gem stone को लेके आए, नीलम आपने आज लिया, 2 साल के बाद उसको interchange करना चाहें तो they will change it at a free of cost. तो super amazing. We appreciate. Yeah. And I appreciate that guy who is concerned for their country. वो अपनी कंट्री के लिए इतने ज़्यादा कंसर्न है कि वे अपनी स्पेशलिटीज बताना शुरू कर दिया कि आप वहाँ पे जरूर जाइए, बुद्धा टेम्पल जाइए, टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। वी अप्रिशिएट दोस पीपल जो अपनी कंट्री के को प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, तो वी मस्ट वैल्यू दोज पीपल्स। It's super experience. Hi. Morning walk, then swimming pool. अब change करेंगे और then move to market. Then चलेंगे गैल। आ गया हूँ मैं changing room. Changing room में change करें, shower लें और then take a bath. और लवली गुड आफ्टरनून। अभी मैं पहुंच गया हूं गंगा रमैया टेम्पल और यहां पे हम विज़िट करेंगे। यहां आप देखोगे कि भी वाटर के साथ, वाटर बॉडी के बिल्कुल बीच में ये टेम्पल बनाया है, जिसमें बुद्धा की पिक्चर्स हैं। और यहां पे इन्होंने एंट्री फ़ीस भी रखी है, एंट्री फ़ीस इज़ 400 LRK, तो जो इंडियन रफली आपको 1900 रुपीज़ पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। आई विल शो यू द इंटरनल पेज।
Now we reached Colombo City Mall. This is just opposite to this camper. It's operated by the Marriott. Colombo City Mall. We reached the Colombo City Mall. I will show you the internal area, the checking. हेलो फ्रेंड्स, हमने पहले गंगा रामायण मंदिर देखा. नाउ वी आर इन द गंगा रामायण मोनेस्ट्री म्यूज़ियम. यहाँ पे एंट्री 400 रुपया LRK चार्ज करते हैं फॉर द फॉरनर्स, जो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से रफली 90-100 रुपीज़ बनता है. तो दिस इज़ अ नॉमिनल अमाउंट टू मेंटेन द प्रॉपर्टी. मेरी मैनेजमेंट इन लोगों से बात हुई तो दे सेड वी चार्ज, गवर्नमेंट इज़ नॉट चार्जिंग, वी आर चार्जिंग इट टू फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल. तो वी विल विजिट द टेम्पल. ब्यूटिफुल, लवली टेम्पल. गुड इवनिंग गाइज, वी रीच सीमेंस ग्रैंड. आज का नाइट स्टे सीमेंस ग्रैंड्स में है. तो हैव अ लुक ऑफ सीमेंस ग्रैंड्स. दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी इन कोलंबो. This is the entrance of Siemens Grand Hotel, where we have taken a room for two night. Lovely, good morning guys. Breakfast ka time ho gaya hai. Today we are in a Colombo Siemens Grand breakfast. We are doing a breakfast and we will run for a day tour. I will show you the various places today. This area is called the main street for local shopping of Colombo. Roughly 8 बजे का time है और shops, काफ़ी shops हैं जो बंद होना शुरू हो गई हैं. तो यहाँ पे mid segment के products for a middle class item available हैं. तो you can shop from this place. आपको यहाँ पे कपड़ा मिल जाएगा, बेकरी मिल जाएगी, यहाँ पे बैंक्स अवेलेबल हैं, मोबाइल फोन्स, ईच एंड एवरी थिंग यू कैन बाय. दिस इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी. हेलो फ्रेंड्स, रात के रफली 8:30 बज गए हैं और डिनर के लिए हम एक वेन्यू पे आए हैं. ये माउंट लेविनिया, माउंट लेविनिया इन कोलंबो इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस. ये बीच के ऊपर है, ब्यूटीफुल बीच रेस्टोरेंट होटल. यहाँ पे हम आज डिनर करने आए हैं. तो ये सोचा कि इस जर्नी में एक दिन ऐसा बिताया जाए जो ज़िंदगी में याद रहे. श्रीलंका का ट्रैवल किया था तो थोड़ा सा प्रीमियम डिनर का प्लान किया. प्रीमियम डिनर इसलिए, दिस इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट लग्जूरियस प्लेस फॉर अ डिनर इन कोलंबो श्रीलंका. सो आई विल शो यू द प्रॉपर्टी. Hi guys, it's around 10 o'clock in night. Casino ka time ho gaya hai. This is the one of the finest, best casino in Colombo, Palace. To cab wale ne hame drop kar diya hai aur hamare hotel se 3000 LRK lage hain. To abhi we are ready to enjoy casino. Thank you.
करनी शुरू हो गई है गैल की। बड़ी यूर नेम? प्रकाश। प्रकाश प्रकाश इज विद मी। तो प्रकाश जी अभी कोलंबो से कितने टाइम में अभी पहुँचा दोगे सर? हाउ मच टाइम विल टेक? टू अप्रॉक्सीमेटली टू आवर्स विल टेक। टू आवर्स। तो थैंक यू टू प्रकाश जी, टाइम भी आ गया और हमें टाइम भी पहुँचा देंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राकेश दिस साइड। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने चेक इन कर लिया है रेडिसन ब्लू में। रेडिसन ब्लू में जो प्रॉपर्टी है वो बीच फेसिंग है, तो मैं पहुँच गया हूँ बीच के ऊपर। शाम का नज़ारा एंड फैंटास्टिक क्राउड। तो आप देखोगे कि मेरे पीछे रेडिसन 8th फ्लोर पे रूम लिया है और अभी बीच पे इंजॉय करने आए हैं। दिस इज़ अ पर्सनल बीच ऑफ रेडिसन। तो आप बीच देखेंगे, वाओ वंडरफुल, बड़ा नाइस एंड ब्यूटीफुल बीच। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और यहाँ पे आके मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं श्रीलंका के अंदर हूँ, और श्रीलंका के अंदर इतनी अमेजिंग, इतनी अच्छी लोकेशन भी हो सकती है, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी भी बनाई हो सकती है। तो आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट, श्रीलंकन गवर्नमेंट और रेडिसन, जिन्होंने इतना अच्छा ऑरा क्रिएट किया हुआ है। तो ये गैल के अंदर है, सनसेट का टाइम होने वाला है, तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ द बीच एंड प्रॉपर्टी। हाय फ्रेंड्स, आज गैल द डच फोर्ट में हम पहुंच गए हैं। आई विल शो यू द फ्यू क्लिप्स की डच फोर्ट की। ये फेमस प्लेस है गैल का। गैल में एक तो मार्केट है और म्यूज़ियम है, देन ये डच फोर्ट बहुत फेमस प्लेस है। तो आपको यहाँ का ज़रा कंप्लीट व्यू दिखाऊंगा कि ये कैसा है, और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। म्यूज़ियम इज़ क्लोज्ड दिस टाइम, बट अदरवाइज भी म्यूज़ियम इज़ अंडर रेनोवेशन, सो हम देख नहीं सकते म्यूज़ियम। विल गो टू द गैल मार्केट। गैल मार्केट में इस टाइम बहुत हैपनिंग टाइम है और विल इन्जॉय एट गैल मार्केट। लवली इवनिंग, फोर्ट देन गैल मार्केट। अब मे बी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आएगा, बट मैं अभी ऑटो में बैठा हूँ। तो उल्लू वटाना इज़ अ प्लेस जहाँ पे वी प्लैंड डिनर। मेरे को लगता है कि कोई अमेजिंग प्लेस है जो हमें रिकमेंडेशन दी गई कि डिनर आप वहाँ पे करें। तो हम बाय ऑटो उल्लू वटाना जा रहे हैं। तो आपको मैं ऑन द वे जर्नी जो है वो दिखाता हूँ कि कितना यहाँ से डिस्टेंस है। रफली 10 मिनट का टाइम लगने वाला है हमें उल्लू वटाना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं एक और एडवेंचर करने जा रहा हूँ। नाउ आई एम एट अ रेलवे स्टेशन ऑफ फोर्ट कोलंबो। कोलंबो से फर्स्ट क्लास टिकट ले ली है, कैंडी का ट्रेन ट्रेवल करना है मेरे को। तो बहुत दिल था कि आई वुड लाइक टू ट्रेवल बाय ट्रेन। जो अमेजिंग एक्सपीरियंस है ट्रेन का, ब्यूटीफिकेशन ऑफ दीज एरियाज। तो कैंडी के लिए 12:40 पे मेरी ट्रेन चलने वाली है, तो फिर मैं आपको कैंडी का विज़िट कराऊंगा। एंड माय प्लान इज़ टू गो टू कैंडी टू नवारा आलिया बाय द ट्रेन आल्सो, क्योंकि जितने भी आप फीडबैक्स देखोगे तो नवारा आलिया और कैंडी ट्रेन से ट्रेवल करना सबसे अमेजिंग है। सो आई वुड लाइक टू ट्रेवल, कि लग्जरी काफ़ी हो गया तो आप ट्रेन का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस लिया जाए। कीप इन टच। तो अभी मैं चेक इन करने वाला हूँ, टिकट ले लिया है एसी क्लास की। एसी क्लास की टिकट 2000 रुपये LR के, तो मैं फर्स्ट क्लास की एसी टिकट मिल गई है। आई एम अमेज टू हैव इन दिस बजट। तो अब ट्रैवल करने वाले हैं हम, कीप इन टच। 4:02 का टाइम है और वी आर हेयर इन कैंडी। तो हमारी ये ट्रेन चली थी कोलंबो से
अपना 12:40 पे डॉट 12:40 पे चल गई थी और रीचिंग टाइम 4 बजे का था और ऑन टाइम है। तो आई अप्रिशिएट द वे दे वर्क, क्लीननेस, वो क्राउड डेफिनेटली इज़ हाई जो रोड्स पे कम था और रेलवे स्टेशन पे बहुत हाई है। बट आई एम एक्साइटेड एंड आई एम अप्रिशिएटिंग द गवर्नमेंट, वेल मैनेज्ड, टाइमली डिलीवर्ड, वेरी नाइस। मैं अभी भी स्टेशन पे हूँ, स्टेशन पे इंक्वायरी कर रहा था क्योंकि कल मेरे को जाना है कैंडी से नवारा एलिया। तो दो ही ट्रेन्स यहाँ से नवारा एलिया के लिए जाती हैं और फर्स्ट क्लास फुल है ओवरऑल फॉर आर नेक्स्ट 2-3 डेज। वो फर्स्ट क्लास की बुकिंग ऑलरेडी रिजर्वेशन हुई है, तो समहाउ मेरे को सेकंड क्लास थर्ड क्लास की ट्रेन्स लेनी पड़ेंगी और उसकी रिजर्वेशन आज नहीं हो रही, वो प्रोबली कल ही बुकिंग्स होंगी और मुझे मॉर्निंग में ही काउंटर पे आना पड़ेगा एंड टू बाय द टिकट्स। तो ये तो हो गया कल का पार्ट जो मैं प्लान कर रहा था कि नवारा लिया जाना है। रफली 70 किलोमीटर का सफ़र है, बट हिल्स का व्यू है तो इसलिए उसमें 4 आवर्स की जर्नी है आप बाय द ट्रेन, तो ये भी बड़ा अमेजिंग होने वाला है और आई विल नॉट मिस क्योंकि वेदर ठीक है। तो मैं सेकंड क्लास टिकट्स ले लूँगा और उसके लिए मेरे को सुबह मॉर्निंग आना पड़ेगा। इसमें 2 टाइमिंग्स हैं 8:45 और 11:10 का, तो मेरे को लगता है आज मेरा हेक्टिक होने वाला है, अभी कैंडी भी घूमना है, तो 11:10 की ट्रेन लेंगे। तो कल मैं 10:30-11:15 बजे यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो ये वाले काउंटर्स हैं जहाँ से मेरे को कल लाइन में लग के टिकट बाई करनी पड़ेगी और 4 घंटे की जर्नी करूँगा। तो इट्स अनदर वन ऑफ द एक्सपीरियंस। तो अभी मैं होटल के लिए निकलने वाला हूँ, तो अभी कैब ऑर्डर कर रही है, पिक मी ऐप से ही करूँगा। तो पिक मी ऐप इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऐप इन श्रीलंका जो इकोनॉमिकल भी है, ऊबर भी यहाँ पे चलती है बट ऊबर से ज़्यादा इकोनॉमिकल मेरे को लगा पिक मी ऐप है। तो लेट्स गो। लवली गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अब मैं पहुंच गया हूं व्यू पॉइंट, कैंडी व्यू पॉइंट। दिस इज़ द वेरी फेमस प्लेस। आई एम वेरी थैंकफुल टू वन ऑफ माय फ्रेंड जिनको मैं मिला कैंडी अपने लॉज में। उन्होंने ऑलरेडी, वो मर्चेंट नेवी में है और उन्होंने ऑलरेडी एक स्कूटी हायर की हुई थी एंड ही हेल्प्ड मी आउट टू कम दिस प्लेस। और हम जल्दी से पहुँच गए, बट चलो सन अभी हो गया ड्रॉप डाउन। तो दिस इज़ द व्यू ऑफ कैंडी पॉइंट, तो बहुत ही लवली व्यू है, पूरी सिटी यहाँ से दिखती है, लेक का एक व्यू है यहाँ पे। दिस इज़ द सिटी जो आप देखोगे, तो काफ़ी ऊपर चढ़ के आना पड़ता है इसके ऊपर। तो लवली प्लेस एंड पूरा क्राउडी है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर हियर। इस टाइम पे आप देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं, तो ये दे आर द गाइस। देखो यहाँ पे क्राउड बहुत अच्छा है। तो दिस इज द व्यू ऑफ दिस अ कैंडी पॉइंट, लवली प्लेस। लवली प्लेस, बुद्धा टेंपल, कैंडी। लवली गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाउ वी आर इन कैंडी सिटी सेंटर। सामने पार्किंग एरिया है, यू कैन पार्क योर कार, व्हीकल, ऑटो, स्कूटर, एनीथिंग। दिस इज द प्लेस जो सिटी सेंटर है। विल नाउ एंटर द कैंडी सिटी सेंटर। आई एम वेरी थैंकफुल माई फ्रेंड कि भी जिनके साथ मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। फाइनली जर्नी है स्टार्टिंग टू पहला टिकट चेक हो रही है और अभी 10:35 हुए हैं। वी आर रेडी, ट्रेन चल पड़ी है और ये
बहुत अमेजिंग होने वाला है। ट्रेन पे चढ़ते चढ़ते बुरी हाल हुई कि एक तो एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेन का, तो मेरा लक इतना फेवर किया ऑलवेज यस्टरडे जब मैंने बुक की तो विंडो सीट मिल गई, आज भी मेरे को विंडो सीट मिल गई। कल बड़ा डिफिकल्ट हुआ विंडो सीट से उठ के, क्योंकि एसी क्लास थी तो बार 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 वहाँ जाना, और यहाँ पे है तो आज ओपन विंडो है, सो इट्स रियली एडवांटेज फॉर मी, और लगता है कि इसको पूरा इंजॉय करेंगे। तो कीप इन टच विद मी, आपको रोड के व्यूज़ दिखाऊंगा, आज बहुत मज़ा आने वाला है। सेकेंड क्लास की रेडी फॉर कैब मिल गई है। वन ऑफ द सरप्राइजिंग थिंग अबाउट द एलए निवाला एलिया इस जो अभी पता चला कि यहाँ पे पिक मी ऐप और ओला वालों को ऊबर को चलने नहीं देते ड्यू टू देयर डोमिनेटिंग नेचर, ड्यू टू द एसोसिएशन टैक्सी एसोसिएशन दे आर चार्जिंग ऑलमोस्ट डबल, और ये मे बी इनकी फेवर में है या अपोजिशन में है या मेरी वीडियो देख के, मे बी पीपल विल से समथिंग। आप अपने कमेंट जरूर लिखें कि लोगों को यहाँ पे कैसे हरास कर रहे हैं दे पीपल और डोमिनेटिंग नेचर। तो जो अच्छे अच्छे रिव्यू मैंने पहले दिए ड्यू फॉर अ कोलंबो कैंडी दाल, बट रियली वेरी अपसेट टू से कि द नेचर ऑफ दोज पीपल दे आर वेरी डोमिनेटिंग। यदि ऊबर पे वो 800 रुपये दिखा रहा था तो दे आर ट्राइंग टू चार्ज ऑलमोस्ट डबल, सो ठीक है लेट्स, इनकी अपनी कॉल है। फिर अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, व्यू तो बहुत अच्छा है और टी गार्डनिंग बहुत अच्छी हुई हुई है, टी प्लांटेशन सब जगह देखोगे तो टी प्लांटेशन है, बट रियली लिटिल अपसेट। गुड इवनिंग गाइस, नाउ वी रीच द डेस्टिनेशन। ये आज एक विला बुक की है तो जिसमें स्टे करेंगे, ये था इसमें प्रोस्पेक्ट ये था कि एक तो हिल्स का व्यू मिल जाए और लेक के नियर बाय हो, सो वी बुक्ड अ डिफरेंट वेन्यू। कल एक अलग लॉज था, पहले 5-star प्रॉपर्टी थी, आज एक विला में स्टे करने जा रहे हैं। आई विल शो यू द विला कि ये विला कैसा है। इट्स अ डुप्लेक्स हाउस, डुप्लेक्स विला, तो इसमें किचनेट एंड ऑल सब अवेलेबल है। दिस इज़ ऑल अबाउट द आउटसाइड, तो अभी आपको मैं विला दिखाता हूँ कैसा है। हाय फ्रेंड्स, नवारा आलिया सिटी सेंटर में घूम रहे हैं स्कूटी पे। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अभी मार्केट में ब्रेकफास्ट के लिए आए थे, तो दिस इज़ द सिटी सेंटर ऑफ नवारा आलिया। ये एक ना बहुत अच्छी वैली है जो चारों तरफ से हिल से कवर्ड है और सेंटर में पूरा सिटी बसा हुआ है, तो लवली प्लेस। इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं बट यहाँ का ऑरा, वेदर अब धूप है बट वेदर इज़ वेरी कूल, बहुत अमेजिंग, बड़ा मज़ा आ रहा है। स्कूटी पे घूमते हैं तो ठंड तो लग ही रही है, वी हैव अ जैकेट्स जो एडवाइजरी थी, तो जैकेट तो ज़रूरी है ही है, तो वी आर इंजॉइंग इन अ सिटी सेंटर। हाय गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नाउ वी आर इन सीता माता टेम्पल। ये बहुत फेमस टेम्पल है इन नवारा एलिया, पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस टू विजिट दिस प्लेस, तो आपको अभी मैं विजिट कराता हूँ इस सीता माता के टेम्पल का। हाय फ्रेंड्स, ये वो प्लेस है जहाँ पे हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जब पाँव रखा था फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द प्लेस। तो यू नो द पावर, तो वो यहाँ पे अशोक वाटिका में एंटर करते ही सीता माता से जब मिले थे तो इसी प्लेस पे आए हैं, और उनके पाँव का निशान यहाँ पे बना हुआ है। तो ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, और आप यदि हिंदू धर्म से जुड़े हैं तो रिलीजियसली आप श्रीलंका विज़िट करते हैं तो मस्ट विज़िट दिस प्लेस, बहुत ये जगह आपके लिए बनी है। सूरज हुआ मध्यम, चांद ने लगा, दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ नवारा आलिया।
Noarali is famous, named as the England, क्योंकि अभी बहुत कुछ दिखाने वाला है. This is just the beginning. Noarali के इस व्यू पॉइंट पे it's about 6 o'clock in the evening. तो बादल भी बने हुए हैं और सूरज ढल रहा है. आप देखोगे तो this is the जहाँ मेरी फिंगर आप देख रहे हैं द सन. तो इट्स अ लवली प्लेस. कंप्लीट वीडियो में आप देखोगे तो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, लवली एक्सपीरियंस. कीप इन टच विद मी फॉर मोर डिटेल्स. हाय गाइस, अभी हम पहुंचने वाले हैं लवर्स लीप. बहुत सा ज़्यादा स्टीप चढ़ाई चढ़ने के बाद अब थोड़ी सी उम्मीद कायम हुई है. लवर तो साथ है नहीं, बट लवर लीप देखने जा रहे हैं कि क्या मज़ा आता है. तो इट इज़ अनदर गुड एक्सपीरियंस. तो लेट्स गो. अभी लगता है 1.5 से 2 किलोमीटर की हाइट पे चढ़ना पेंडिंग है. This is the place. Oh, lovely waterfall. अभी हम ऊपर भी जाएंगे और ये अभी नीचे से व्यू है वाटरफॉल का. एंड वी हैव ऑलरेडी प्लान टू गो टू द टॉप ऑफ दिस हिल. ये लवर्स लीप वाटरफॉल है Noarali, द फेमस प्लेस विच इज़ कॉल्ड द लिटल इंग्लैंड. यहाँ पे लवर्स लीप बीच में हमने थोड़े से लवर्स को डेफिनेटली देखे थे और हम अकेले बिना लवर्स के मज़ा ले रहे हैं इस वाटरफॉल का. स्टे विद मी, ऊपर भी चलेंगे हम. माय नेम इज कियान. आई वांट से आई नो आई वांट सेंड बिग ग्रीटिंग्स टू इंडियन पीपल फ्रॉम श्रीलंका एंड आल्सो आई वांट से दैट इंडियन पीपल ऑलवेज हियर. ये लव इंडिया. इस प्लांट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. This is the most costliest product in the Sri Lanka. ये जो plants हम देख रहे हैं इससे सबसे महंगी वाली, सबसे महंगी जो all export tea है वो बनती है. तो ये तो amazing. ये जो area है यहाँ पे स्पेशल इस प्लांट्स की गार्डनिंग होती है. दिस इज़ द एंट्री ऑफ द लेक. ये कंप्लीट लेक है बट अभी बंद हो गई है. वी आर लिटल लेट. तो ये काउंटर जहाँ पे आपको टिकट्स मिलती हैं, इसमें है फॉरेन अडल्ट 500, फॉरेन चिल्ड्रंस 250 रुपीस एंट्री है यहाँ पे. तो ये हमारी वहाँ की लेक की तरह नहीं है. तो Now lake closed. Closed. Tomorrow what time? 8 o'clock. 8 o'clock morning. Till evening? Evening 6 o'clock. 6 o'clock. Right. Can I take pictures? Okay. Yeah. Thank you. This is the place. अभी बंद हो गया है. सुबह 8 बजे खुल जाएगा और ये 10 बजे तक 8 बजे खुलेगा और शाम 6 बजे तक इसकी एंट्री रहती है. तो वी आर टेकिंग अ व्यू ऑफ इन अ इवनिंग. तो ये व्यू है. डे का भी व्यू मैं दिखाऊंगा आपको क्योंकि डे का बड़ा अमेजिंग व्यू है. तो दिस इज क्वाइट नाइस प्लेस. दिस इज
इन द लेक रेस्टोरेंट। हिंदी गाने लगे है क्या? दिस इज लेक साइड रेस्टोरेंट, अलाना रेस्टोरेंट। हाँ जी, जितने फाइनली इट्स टाइम टू से थैंक यू, गुड बाय टू श्रीलंका, हैव अ वंडरफुल टाइम। अब चेक इन फॉर्मेलिटीज करने जा रहा हूँ, तो कीप इन टच आफ्टर चेक इन फॉर्मेलिटीज। तो ये देखोगे कि लाइनें बहुत लंबी लगी हैं।